आ गए बीमारी तकलीफ दुख से मुंडा को नहीं सुने बाला ना खटिया ना कौन प्रधान ना लाधान ना को तो सुना है हमार प्राइवेट में बुढ़ो भर्ती रही तो 7,000 रुपया हम जमा किए रही नहीं साहब तो उलाग गए हाँ। और फिर हमका सरकार का इस 12,000 रुपया आवा है तो हाँ उमाना करें तो ऊ दे ही नहीं फिर हम झूठ ना बोला तो 7,000 रुपया बुढ़वा का जमा कर दिए रहे वही नहीं मिला अब बाकी 12,000 सरकार का इसे आवा है हमका झूठ नहीं बोला अरे का कहा करना सरकार वोट लिया एक बार घूरे में गुआ मार गुआ खरबोटा खरबोट मचावा था और ना साफ ना सफाई ना कोई का दिया ना ना लिया ना ना कुछ कोई दा यार घूरी नहीं है का नहीं दा कुछ तो हुआ के चाहिए मतलब गरीब मने सब मरा चला जाते दुख बीमार बीमारी कोई सुनाई नहीं चाहे साहेब आ चाहे कप्तान आ हां हूं कह के चले जाते कौन सुनाई नहीं होती का कुछ नाला नाली जैसे इधर है तो उसको बनवाना चाहिए जैसे कह के गए कि इधर से स्लोप बनवा तो एसडीएम साहब स्वयं बोल के गए थे और सचिव साहब ने कहा सर ठीक है मैं तीसरे दिन लग काम करवा दूंगा काम लग गया आज तक कुछ भी नहीं हुआ अब इस तरह के जब पानी बह के रोड पे लगेगा वो सड़ेगा कीचड़ लगे तो बीमारी नहीं फैलेगी बीमारी बिल्कुल फैलेगी और कोई आता है बस झूठी दिलासा देता है बस इस बात को मैं बोला भी था वीडियो साहब से भी कहा था कि पंचायत साहब से कह दीजिए इसको बनवा दे नहीं तो समस्या हो जाएगी दोनों तरफ से बनवा दे तो यहाँ पर जो समस्या है सफाई को लेकर के समस्या है गंदगी की जिसकी वजह से ये परेशानी हुई। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं आइए इनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये जो लोग बीमार पड़े उसको लेकर क्या कहना है इनका। इतने सारे लोग बीमार पड़े यहाँ पे 5,500 लोग बीमार पड़ गए और ये जो परेशानी हुई गांव वालों को इस पर क्या कहेंगी आप। अरे का कहा करना सरकार वोट लिया एक बार घूरी में गुआ मार गुआ खरबोटा खरबोट मचावा था और ना साफ ना सफाई ना कोई का दिया ना ना लिया ना ना कुछ कोई दा यार घूरी नहीं है का नहीं दा कुछ तो हुआ के चाहिए मतलब गरीब मने सब मरा चला जाते दुख बीमार बीमारी कोई सुनाई नहीं चाहे साहेब आ चाहे कप्तान आ हां हूं कह के चले जाते कौन सुनाई नहीं होती का कौन सुनाई नहीं हां हूं कह के चले जाते मुझे कित व्यवहार काय के भाई अब हम पते गरीब दुखी हमार अरे हटी को आज तो हम कैसे साहब जाई बात करे साहिबान राहत बात चुप पे काई के भाग जाते पता नहीं का मिल जुल ली ही तो आपका कहना ये है कि जो बातें कही जाती हैं वो बस कह के और साइड हो जाते पूरी नहीं होती हां कहां करें कहां भी यार पर काम लाग जाए बह जा क्लियर हो जाए नाला और कत कुछ नहीं भ बीमारी तकलीफ दुख से मुंडा को नहीं सुने बारा ना ना झाटिया ना कौन प्रधान ना लाधान ना को तो सुना है अभी आप कह रही थी कि घर बीमारी से हमारा सब बिगा ना कमाई ना खाई तो कुछ ना पाई आन आन के सुन के पता नहीं कहाँ चला जाता है अब वोट के बारे आई सब विधायक कान को पठाई बहन जी कमल के फूल पर दिया पलियर पर दिया कप पर दिया और गरीब के सुने नहीं आते घूरी में अरे वो सब देख है उनके दुख नहीं ना आई तो ये महिलाएं हैं उसी गांव की जहां पर बीमारी फैली हुई थी और ये गुस्सा है नाराजगी है समस्या है गांव की साफ सफाई को लेकर समस्या है लोगों की बीमारी को लेकर और 50 से ज्यादा लोग बीमार पड़े 50 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनको कहीं ना कहीं इस बीमारी की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग अस्पताल भी पहुंचे और 2 बच्चे ऐसे हैं जो शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे कहीं ना कहीं वो इस बीमारी को झेल नहीं पाए। लोगों की ₹70,000 70,000 रुपए आपका इस बीमारी में लगा।
कहाँ भर्ती थे आप? 16 17 हजार। तो 17 हजार रुपए आपका लगा। जब ये बीमारी फैली थी तो क्या सरकारी अस्पताल की जो टीम थी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली, भारी रही थी? इनका नहीं खिया लिया। हमार प्राइवेट में बुढ़वा भर्ती रही, तब 7 हजार रुपया हम जमा किए रही नहीं साहब, तो उलाग गए। और फिर हमका सरकार का इस 12 हजार रुपया आवा है, तो हाँ वो मना करी तो वो दही नहीं थे। हम झूठ ना बोला, तो 7 हजार रुपया बुढ़वा का जमा कर दिए रहे, वही नहीं मिला। अब बाकी 12 हजार सरकार कैसे आवा है, हमका झूठ नहीं बोला। तो सरकारी सहायता मिली है, सरकार ने सहायता किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 हजार रुपए इनका लगा था जब ये प्राइवेट हॉस्पिटल भर्ती थे, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से सीएमओ साहब ने 12 हजार रुपए रिलीज किया है, 12 हजार रुपए इनको दिया है। और ऐसा इनका मानना है कि भाई हमें सरकारी सहायता मिली है, तो कहीं ना कहीं सरकारी सहायता लोगों को मिली है, सरकार की तरफ से कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये है कि जो वजह थी मेन इस बीमारी के फैलने की, वजह थी साफ सफाई न होने की, वो वजह अभी भी जस का तस बनी हुई है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो नालियां हैं, नालियों की दशा क्या है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो गंदगी है, गंदगी का अंबार किस तरह से है। और यही वजह रही जिस वजह से यहाँ पर लोग बीमार पड़े। कुछ और लोगों से बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर समस्याएं कहाँ पे रही। क्या नाम है आपका? हमारा रामचंदन नाम है। जो बीमारी फैली थी, बीमारी को लेकर क्या स्थितियां बनी थी उस समय, कैसा क्या कैसे हुआ बीमारी, ये सब कैसे फैली? गंदगी से टट्टी उल्टी होने लगे हमारे घर की भी, इसी समय से कल है आए हैं। अच्छा, हाँ अस्पताल से ही नहीं। कौन से अस्पताल में भर्ती थी आप लोग? यही सरकारी अस्पताल में, सरकारी में सराय अखिल। तो कितने दिन हुए भर्ती हुए? 2 दिन। 2 दिन से है वो, तब भी डॉक्टर बोले कि हम दवा सुई नहीं करेंगे, खाली हम टट्टी के उल्टी करेंगे, बुखार के नहीं करेंगे। फिर जो कागज बना दिए हैं बस निकाल दिए हैं सराय में। तो बुखार जिसको हो रहा था उसको निकाल दे रहे थे? हाँ, जिसका बुखार रहा डॉक्टर आए बहुत तेज गुस्सा ने कि हम बुखार की दवा नहीं करते, उल्टी टट्टी के करते हैं। हाँ, तो निकाल दी, कागज बना दिए निकाल दिए। तो ये सरकारी अस्पताल की स्थिति है। सरकारी अस्पताल में अगर किसी व्यक्ति को उल्टी हो रही है, दस्त हो रहे हैं, तब तो इलाज किया जा रहा है, ऐसा इनका आरोप है। कि अगर बुखार है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम बुखार की दवा नहीं करते, उन्होंने तुरंत कागज बना दिया और कागज बना के इनको निकाल दिया, या इनके जो परिजन थे उनको निकाल दिया। खत्म हुआ। ये वो बच्चा है जिसके भाई का अब देहांत हो गया है, इसी गांव का ये लड़का रहने वाला है, इसके पिता नहीं है। 3 भाई थे और 3 भाई में से 2 भाई खत्म हो चुके हैं। एक भाई, दो भाई थे, तो ये बच्चा जो है इसी गांव का है। इस बच्चे का भाई भी अभी इसी बीमारी से खत्म हो गया। जब गांव में महामारी फैली या ये बीमारी फैली, तो उस बीमारी को ये बच्चा शायद झेल नहीं पाया और उसमें उसका देहांत हो गया। अभी आपको और दिखाते हैं। अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो ये व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो अभी अभी अस्पताल से आ रहे हैं, इसी गांव के बासिंदे हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। बीमारी 1 हफ्ते पहले शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक वो सिलसिला चल रहा है। अभी तक उस बीमारी से लोगों को निजात नहीं हो पाई है। लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वहां से डिस्चार्ज होके आ भी रहे हैं। तो ये अभी अभी डिस्चार्ज होके आ रहे हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मंजरी प्रसाद। कब बीमार हुए थे? कल। कल बीमार हुए थे, कहाँ भर्ती थे? सरकारी अस्पताल सराय। सरकारी अस्पताल सराय किल कौशाम्बी। क्या परेशानी हुई थी आपको?
पहले बुखार रहा, फिर दूसरे टट्टी भर लेके भाग गए। तो अभी आराम हो गया है? मारे जब से ले गए नहीं, टट्टी पैसा बाबा तक। तो किसको समस्या थी? ये लड़की का। अच्छा, समस्या इस बच्ची को थी। तो आप देख रहे हैं ये बच्ची है, इसको समस्या हुई थी, बुखार आया और बुखार के बाद दस्त शुरू हो गया और फिर इसको लेकर ये अस्पताल गए और अब यहाँ इसको आराम है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बच्ची को शायद इंजेक्शन लगा हुआ होगा या ड्रिप चढ़ा हुआ है। तो आप लड़की के बच्ची के पिताजी हैं? हाँ, तो अभी कल ले गए थे, 24 घंटा हो गया इलाज कराते समय, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती कहीं कहीं जो, और फिलहाल ज़्यादा तक साफ सफाई के यहाँ कोई ना तो कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना तो कोई प्रधान ध्यान दे रहा है। अभी भी नाली में कचरा वैसे ही वैसे ही है। डीएम एसडीएम कई अधिकारी लोग आ चुके, इसका कोई निरीक्षण अभी तक फाइनल नहीं हुआ। तो जो साफ सफाई है ये एक बड़ी समस्या है इस गांव में जिसकी वजह से बीमारी फैली, बहुत बड़ी समस्या। इसका कोई निरीक्षण करने वाला कोई हुआ नहीं, होता भी है तो अधूरे में रह जाता है, उसका कोई उल्लंघन करने वाला नहीं होता, हुआ उल्लंघन करते हैं भी तो उसका कोई निकास नहीं होता। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो साफ सफाई एक बड़ी समस्या है, इसका कोई निराकरण निकल नहीं रहा है। लोग जो आते हैं, जो भी प्रशासन के लोग आते हैं, वो कहते तो हैं लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकलता है। तो आप ही देख रहे हैं ग्रामीण भारत, ग्रामीण भारत की स्थिति किस तरह से लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, किस तरह से लोग झेल रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।